कर रहे हैं आजकल हम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार, एंड इट इज अ वंडरफुल बुक, जिसमें हमने ये शुरू किया था टॉपिक, लेसन नंबर भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। अब आप जानते हैं अगर श्रील प्रभुपाद को ये टॉपिक दे दिया जाए तो he go on so long because he know everything about परम सत्य। एंड whenever अगर ये सब टॉपिक जैसे हम जैसे लोगों को दिया जाए, या मंडन लोगों को, या आप जैसी मंजरीज को दे दिया जाए, तो आई थिंक विद इन 1-2 लाइन में आप लोग इसको कंप्लीट कर देंगे कि व्हाट इज परम सत्य। इट्स राइट यमुना जी माता जी। व्हाट अबाउट गौरी जी माता जी। एंड व्हाट अबाउट भूमिका, आवर स्कॉलर। हाँ भूमिका माता जी, आई एम नॉट ए स्कॉलर, नॉट ए स्कॉलर। सब हाथ खड़े कर दिया और मैंने तो पहले ही खड़ा कर दिया था, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज। लेकिन अगर परम सत्य जैसा टॉपिक अगर श्रील प्रभुपाद को दे दिया तो ही कैन एक्सप्लेन सो नाइसली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ परम सत्य। तो हमें भी कुछ जानने का मौका मिल जाता है और थोड़ी थोड़ी बुद्धि में हमारे भी जा सके, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमने कुछ शुरू कर दिया था, अब हम पेज नंबर 52 से शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हम प्रे कर लेते हैं भगवान से, ताकि वो हमें मति प्रदान करे कि हम इन भावों को समझ सकें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदानीं ददाति स्वपदाम्। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पुत्र विशेष श्रीमद प्रिंस कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। मिताई गौर प्रेमानंद। सो लिखा है, अतः इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति और उनकी निकृष्ट भौतिक शक्ति एक दूसरे से मिलकर कार्य करने के कारण प्रकट। भौतिक शक्ति का क्षेत्र क्रियास्थल कहते हैं और आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र को जानने वाली कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न गुणों समय क्षेत्र और क्षेत्र के आपसी प्रक्रिया में इन दोनों शक्तियों के नियंत्रक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। भगवद्गीता में भी भगवान को सृजन पालन और संहार के चरम कारण के रूप में माना गया है। भगवद्गीता 7.6 और 7 बताए, एतानि योगानि भूतानि सर्वाणि उपराधय अहम कृतस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा मतः परतम ना अस्त किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा। तो यहाँ पे भगवान परम सत्य के बारे में बाकी धारणाओं बताने के बाद बता रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां होती हैं वो तो अनंत है, लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने भगवान परम सत्य को समझने के लिए भगवान और भगवान की शक्तियों को कैटेगराइज किया, राइट? तो परम सत्य हो गए यानी कृष्ण, लेकिन भगवान की शक्ति को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो भौतिक शक्ति कौन होती है? जी प्रकृति, दुर्गा देवी, प्रकृति। ओके, और आध्यात्मिक शक्ति कौन होती है? यस, भक्ति। ये आप पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। एंड तटस्थ शक्ति कौन होता है? कई बार आप लोग ने नाम सुना होगा, राइट? कितने लोगों ने नाम सुना है, राइट? यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने नाम तो सुना है बट यू फॉरगेट, है ना? तो भगवान की परा, अपरा और तटस्थ 3 शक्तियां होती हैं, भगवद्गीता में बताया। परा शक्ति यानी पार लगी हुई यानी आध्यात्मिक शक्ति होती है, श्रीमती राधा रानी। ऐसे याद करो, क्लू वाइज हमें याद करो कि भगवान की पराशक्ति, परा मतलब पार लगी हुई हो, उसको पार लगाने की जरूरत नहीं, तो पराशक्ति भगवान की राधा रानी, इसमें महात्मा लोग रहते हैं, महात्मा संतु मां पार्थम दैविम प्रकृतिम आश्रय, ठीक है। उसके बाद भगवान की दूसरी शक्ति आती है, वो क्या होती है, अपराशक्ति, यानी पार नहीं लगी है, परा नहीं, अ लगने से नहीं होता, अपराशक्ति, तो वो होती है दुर्गा देवी यानी माया, ठीक है। और तटस्थ शक्ति, तटस्थ, तट मतलब क्या होता है, किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति, है ना, नदी के किनारे खड़ा हुआ, तट बोलते हैं ना, तट, गंगा का तट, यमुना का तट, तो तटस्थ शक्ति का मतलब होता है तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो कि नदी में भी जा सकता है और किनारे पर भी रह सकता है ना, इसके बाद दो चॉइस रहती है। तो तटस्थ शक्ति जीव होता है, जीव आध्यात्मिक जगत में भी जा सकता है, यानी तट पर भी रह सकता है सुखपूर्वक, लेकिन वो भौतिक जगत में भी जा सकता है, यानी गंगा में भी जा सकता है। क्लियर हो गया। तो भगवान की पहली शक्ति है पराशक्ति, दूसरी अपराशक्ति और तीसरी तटस्थ शक्ति। इसी के वर्णन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं कि शक्तियां होती हैं, और ये शरीर जो होता है इसको क्षेत्र कहते हैं, और इसको जानने वाला जो होता है यही आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ भी दो हुए, एक तो इस शरीर को जानने वाला आत्मा और दूसरा सभी को जानने वाले परमात्मा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो भगवान की शक्ति होती है, लेकिन भगवान उनमें से नहीं है, भगवान इन सबसे अलग है। समझ में आ गया। तो भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्ति, परा और अपरा शक्ति से होता है। इस जगत में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसका स्रोत प्रलय मुझे ही जाने। भगवान भगवद्गीता इसको क्रिएट कौन करता है, इन शक्तियों को, कृष्णा, और इनको मेंटेन कौन करता है, कृष्णा, और इनका संहार कौन करता है, कृष्णा। तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभी क्लियर हो गया। अभी आप लोगों को कभी भी भगवान की तीन शक्तियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। Okay, so can I go for any repetition? Yes, Gauri. भगवान की तीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? माता जी पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति। पराशक्ति जो है वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो कि राधा रानी है, और जो अपराशक्ति है वो हमारी भौतिक शक्ति जो दुर्गा देवी है वो है। तटस्थ शक्ति जो है वो क्या कहते हैं, वो जीव है जो इस भौतिक जगत में, मतलब वो यहाँ पे भी रह सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। तटस्थ शक्ति रिपीट कर दीजिए। तटस्थ शक्ति मतलब होता है, तट शब्द से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। तटस्थ मतलब क्या होता है, जो तट पर स्थित, तटस्थ, दो शब्द है, तटस्थ संस्कृत में, तट में अस्थ है यानी स्थित है। तो तट पे स्थित वाला व्यक्ति जो होता है उसके पास दोनों चॉइस होती है, वो गंगा में भी जा सकता है यानी रिवर में भी जा सकता है, और शोर यानी तट पर भी रह सकता है। तो जीव के पास हमेशा दो चॉइस रहती है कि वो अंदर भी प्रवेश करता है, भौतिक जगत में भी जा सकता है और आध्यात्मिक जगत। आपके पास सुबह से लेके शाम तक दोनों चॉइस रहती है, कृष्ण या माया, कृष्ण या माया। क्या तुम बहुत ज्यादा सोते हैं, तुम क्या कर रहे हैं, माया, और बहुत ज्यादा बाहर के फूड खा रहे हैं तो माया। चॉइस हमेशा रहती है ना, क्या खाएं, कैसे सोएं, है ना। माला कर रहे हैं तो माता जी नहीं, आध्यात्मिक। अगर अपना भगवान ने ये बॉडी दी है और उसको स्वस्थ रख रहे हैं, उसको एक्टिव रख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, माया। नहीं, शिव की करना है ना। हाँ माता जी, जब हेल्थ सही रहेगी, बॉडी सही रहेगी, तभी तो सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए इस समय वो बॉडी को सही रखना, एक्टिव रखना, ये भी क्या हो गया, यमुना। कृष्णा कौन सी एक्टिविटी? तो ये सब सेवा है, हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों में रहना चाहिए एंड बी फ्रेश ऑलवेज, है ना माता जी? जिम करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को फिट रखना, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएगा ना। व्हाट इज द मोटिव? अगर हम जिम जा रहे हैं और सही से अपनी बॉडी रख रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं and very much caring about our body, but the purpose of body is not Krishna services, then you are doing indriya tripti. When the purpose of the body, that if the body is maintained, I can perform Krishna consciousness activity very profoundly, then it is Krishna consciousness activity, then it is bhakti na. It is clear? Okay. तो ये फिलॉसफी थोड़ा आप लोग समझिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये भगवद्गीता के 30 चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है ना। तो क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, मैंने बताया, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। वेरी राइट। तो उसे बोलते हैं वेद में ब्रह्म के विषय में कई उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे एको में दिवादितम ब्रह्मा, ब्रह्म अद्वितीय है, नेहातीता किंचन, इसके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं है, सर्व अखिलत ब्रह्मा, इस ब्रह्म के बारे में कई श्लोक हैं कि सर्व सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। ये सभी वाक्य भगवद गीता के उपयुक्त श्लोकों में निहित है। 6 दिव्य असीमित ऐश्वर्य से युक्त परम भगवान सर्वोच्च नियंत्रक तत्व है, कोई अन्य व्यक्ति इनके समान या श्रेष्ठ नहीं है। दृष्टि भगवद गीता भगवान कृष्ण यह कहकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इसके बाद बताते हैं कि जिस तरह सर्वस्त उपस्थित है और सर्वव्यापक शक्तियों के मध्य हर वस्तु के साथ घनिष्ठापूर्ण संबंध भी है भगवान का। तो भगवान क्या बताते हैं? नबे बता रहे हैं कि ब्रह्म को कई तरह से डिफाइन किया जाता है और इन शब्दों का प्रयोग भगवद्गीता में भी किया गया। भगवान ने बताया, भगवान ने कहा है कि मेरे से ऊपर, यानी भगवान ने बताया मेरे बराबर भी कोई नहीं है, मेरे से ऊपर यानी कृष्ण के ऊपर कोई सत्य नहीं। समझ में आ गया? कृष्ण से सारी चीजें निकलती हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, अनादि है कृष्णा, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। He is self-indulgent. क्लियर हो गया बेटा? तो ये बात कही गई। तो मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। इसके बाद बताते हैं कि किस तरह सर्वत्र उपस्थित है और सर्वव्यापक शक्तियों के माध्यम से हर वस्तु के साथ घनिष्ठापूर्वक संबंध। यह भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति का एक रूप है। शक्ति शक्तिमान दोनों कल्पना से परे है और एक होते हुए भी भिन्न है। वास्तव में सर्व खलिदम ब्रह्म वाक्य घोषित करता है कि सारे विश्व भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के रूपांतरण में बनी है। शक्तियों के रूपांतरण के ब्रह्म परब्रह्म में न तो वृद्धि होती न कमी होती, अतः ब्रह्म को अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ब्रह्म को प्रतिबिंब होने के कारण निकृष्ट शक्ति या निराकार भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान उनकी शक्तियों में अचिंत भेद का दर्शन का प्रचार किया। सर्वोच्च गुह्य सत्य यह है कि भगवान कृष्ण परम है और जीव तथा भौतिक संसार उनकी अधीनस्थ शक्तियां हैं। इन सिद्धांतों को न समझने वाले भौतिकतावाद वादी और इससे भी बढ़कर भगवान कृष्ण के साथ पुनः अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो मुक्त आत्माएं अर्थात भक्त। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भी भगवद्गीता में की है, 7th चैप्टर में 13 और 14। त्रिगुणमयी भरिया वैरवी स्वरमिदम जगत मोहितम नाभिजानन्ति मामेभ्य परव्ययम् देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां। देखिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। तो भगवान ने कई शब्द यूज किए, सर्व खलिदम ब्रह्मा, है ना, या अहम ब्रह्मास्मि, है ना, या भगवान ने कहा कि वेदम नाना किंचन, है ना। तो ये सब शब्द इस्तेमाल करके भगवान अपने बारे में बताते। इन तत्वों को समझने के लिए देयर आर मेनी फिलॉसफी, है ना, अचिंत भेदा भेद तत्व, नास्तिक मायावादी, है ना, और भी अद्वैत फिलॉसफी, द्वैत फिलॉसफी, सो मेनी फिलॉसफीज आते हैं। लेकिन जो बेस्ट फिलॉसफी है भगवान को समझने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु ने दी है, वो अचिंत भेदा भेद तत्व। इट इज नॉट वाद, है ना, अचिंत भेदा भेद तत्व, ये तत्व है। ये दैतवाद, अदैतवाद, मायावाद, प्रतिबिंब ऐसे नहीं बोल रहा, वाद इज नॉट देयर, इट इज तत्व, मतलब ऐसे ही भगवान है। तो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी के द्वारा हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी क्या कहती है कि जीव और भगवान एक भी हैं और जीव और भगवान अलग भी हैं। जीव और भगवान एक कैसे है? क्वालिटी में। भगवान के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन भगवान से गुणात्मक अंतर है, यानी भगवान घन पूरी खान है सच्चिदानंद के और हमें छोटे से उनके पार्ट, जैसे सोने की खान और सोने की एक छोटी सी रिंग है ना, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो रिंग तो फिर भी बड़ा होता है, लेकिन हमारे हमको बोला गया कि आत्मा जो इतनी सूक्ष्म होती है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से की बराबर, इट कैन नॉट बी सीन इन एनी सिचुएशन, इतनी सूक्ष्म होती है। तो भौतिक जगत में जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी पावर उतनी होती है। आप सोच के देखिए, कभी हमारे अंदर इतनी छोटी से रूप में आत्मा रहती है जो पूरे शरीर को नरिश कर देती है। सोचिए कितना बड़ी बात है। तो ये ही बात बताया गया है कि जो भगवान है उनकी शक्तियां हैं, शक्ति और शक्तिमान में अंतर भी होता है। ये भी समझना होगा कि भगवान की शक्तियां हैं, जैसे भगवान से सब कुछ निकला है, तो भाई हम भी निकले हैं, आप भी निकले हैं, पूनम भी निकली है, गौरी भी निकली है ना, यमुना भी निकली है, भी निकली है, और सो ऑन, लॉन्ग लिस्ट। आप जिस बेड पर बैठे हैं वो फर्नीचर भी ठाकुर जी से निकला है, जो लाइट जली हुई है वो भी ठाकुर जी से निकली है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो कागज बना है वो भी ठाकुर जी है, जो बुद्धि है वो भी भगवान की है ना। तो अब हम ये कहे कि ये जो पेपर है ये कृष्ण है, सही है? नहीं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। क्लियर? शक्ति और शक्तिमान में, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, हम क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी तपस्या करूंगा, कुछ ऐसा थोड़े दिनों बाद मैं भी भगवान बन जाऊंगा। हाँ, तो यमुना जाएगी और हिमालय में बैठेगी और तपस्या करेगी, फिर थोड़े दिन में आके डिक्लेयर करेगी यमुना हम लोगों को, अब मैं बिल्कुल ब्रह्म बन गई, कृष्ण बन गए, मुझे बोलना मत तुम लोग, एकदम मेरे बिल्कुल दिन भर भजन गाओ, अब मैं यमुना हूँ, बहने लगी हूँ, पूरी पूरी यमुना हो गई हूँ, अब कृष्ण की पत्नी हूँ, मैं बिल्कुल यमुना मैं हो गई हूँ। तो ऐसा ऐसा बोलने वाले मायावादी जो हैं उनको प्रभुपाद जो डंडे से पिटाई करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये हमेशा समझना, हालांकि हर चीज भगवान से निकली है, लेकिन सब चीज भगवान नहीं, ठीक है, भगवान से। जैसे कि समझने की कोशिश, जैसे हम हैं, हम अभी आप लोग को एक क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, अब ये रिकॉर्डिंग होगी क्लास, तो मेरी आवाज क्या होगी, रिकॉर्ड हो गई है ना। अब उस रिकॉर्डिंग को अगर आप सुन रहे हैं तो हालांकि वो मेरी आवाज है लेकिन मैं वहां नहीं हूं, उसी तरह से भगवान से सारी चीजें लिखी, लेकिन हर चीज भगवान नहीं होती, भगवान तो कृष्ण है। तो यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार गुणातीत तथा अविनाशी भगवान को नहीं जानता। हम इस मटेरियल जगत में है ना, तो हमारे अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहता है, तो हमारी जो चेतना है कि हम कृष्ण के हैं ये भूल गए हैं और कंटामिनेटेड स्टेट में हो गई है, इसलिए हम कृष्ण को नहीं समझ पाते, भूल गए हैं कि भगवान कौन है। हम सोचते भगवान मेरे जैसे है ना, लेकिन भगवान गुणातीत हैं और अविनाशी हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण वाली ये मेरी प्रकृति को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर कोई मेरे शरणागत हो जाता है तो वो सरलता से प्राप्त करता है, है ना। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में, एकदम क्लियर भगवान ने कहा है, लेकिन लोग, कोई मायावादी फिलॉसफी है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई द्वैतवादी है, ये लोग क्या होता है अपने बल पर इस सागर को पार करने की कोशिश करते हैं और बार बार माया में आके रहते हैं, है ना। तो देखो अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो होता है उसमें कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं, इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि कृष्णा श्रेष्ठ है। हम बता रहे ना, जीव भगवान के समान भी है लेकिन भगवान से अंतर भी है, गुण में बहुत अंतर है, हम बहुत छोटी मात्रा में और भगवान विभू। तो यहाँ पे हम क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कृष्णा की ग्रेटनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा। लेकिन हम बाकी जो वाद है जैसे मायावाद है, यह निर्विशेषवाद है, इसमें क्या बोलते हैं, सब ब्रह्म है, सब भगवान है ना। तो इसमें कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता साबित नहीं हो पाती किसी भी वाद में। आप निर्विशेषवाद में चले जाओ या मायावाद में चले जाओ, अद्वैतवाद में चले जाओ, कहीं पर भी भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित नहीं हो पा रही। और आप कह रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे परम सत्य। देखो थोड़ा सा मैं आपको आपकी लैंग्वेज में थोड़ा हल्का फुल्का समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए पूनम है, अभी मैंगो का सीजन शुरू हो गया, आम का, है ना, पूनम। अब आम जो है मिलने लगा है और पूनम ने लंगड़ा आम लेके आई है और प्लेट में रख दिया है, उसमें से एक आम को उठा के कहती है ये सर्वश्रेष्ठ है, चलेगा क्या? सभी तो लंगड़े हैं, सभी सेम क्वालिटी के हैं, उसमें श्रेष्ठ कैसे हुआ? ठीक है ना। अब एक प्लेट में गौरी जो है वो लेके आती है कि एक आम रखती है, एक एप्पल रखती है, एक फ्लाइट रखती है, एक और भी कुछ कई ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें से हम चूज कैसे करेंगे क्योंकि अलग अलग वैरायटी है, कोई एप्पल है तो कोई मैंगो है तो कोई फ्लाइट है तो कोई वुड है। तो किसी एक की सर्वश्रेष्ठता साबित हो सकती है? नहीं हो सकती। अब मान लो भूमिका गई, है ना, हमारी भूमिका जी गई और भूमिका जी प्लेट लेके आती हैं और उसमें उन्होंने लंगड़ा आम भी रखा है, चौसा आम भी रखा है, सिंदूरी आम भी रखा है। तो अब पूछा जाए कि भाई स्वाद की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है? तो चयन करना आसान है ना कि भाई लंगड़ा आम बहुत बढ़िया होता है, वो मीठा भी होता है, अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है और बड़ा भी होता है, साइज में भी, सब चीज में क्या है, हर चीज में, स्मेल में वो सुंदर है बाकी आम से, राइट। तो यहाँ है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा भगवान की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ना, कि भगवान क्या है, परम सुंदर है, परम ज्ञानवान है, परम वैरागी है, समझ रहे हैं। और भगवान 5 ऐश्वर्य है भगवान के, परम सुंदर, परम ज्ञानी, परम वैरागी और बलवान, 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 यस, बलवान एंड 5वां ऐश्वर्य फेमस, यशस्वी, 5वें ना, 5वां यशस्वी एंड 6ठा वेल्थ, हाँ, यश, लक्ष्मी, श्री, धनवान, तो ये 5 ऐश्वर्य सभी जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण में पाया जाता है। माता जी प्लीज रिपीट दिस। 6 ऐश्वर्य होते बेटा, सौंदर्य, धन, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य। ये सब में होता है लेकिन किसी में 1 होता है, 2 होता है और सब में होता भी है तो पूरी मात्रा में नहीं होता, भगवान की तरह नहीं होता किसी के पास। और भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं ये हर पल बढ़ते रहते हैं। अभी आप भगवान को देखिए, विग्रह देखिए, उसको 1 सेकंड बाद फिर देखिए, फिर अच्छे लगेंगे। अभी आपने माला की, फिर 16 माला करी, फिर और अच्छे लगेंगे, है ना। तो भगवान का बल हर पल बढ़ता है, सौंदर्य हर पल। भगवान यशस्वी, अरे लोग कितना प्रसिद्ध होंगे। कई लोग भूलोक में बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, है ना। कोई लोग पाताल में बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। कोई लोग जो है भाई ऊपर के लोकों में, सत्य लोक वगैरह में प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो भगवान तो तीनों लोक, 14 भुवन तो छोड़ ही दीजिए, पूरे वैकुंठ में भी भगवान ही है। और जनसंख्या का 90% जनसंख्या वैकुंठ में रहती है। जो 14 प्लैनेट सिस्टम में 5-10% लोग नीचे हैं जो बगावत किए हुए। हम सोचते हैं बहुत है। तो 90% तो अभी ऊपर है वैकुंठ लोकों में। तो ये सब समझना होगा भगवान के बारे में। श्रील प्रभुपाद करें कि सबसे ज्यादा इनके बारे में भी बहुत लंबे लेक्चर्स हैं कि मतलब कैसे भगवान यशस्वी हैं, कैसे है। तो आप सबका कंपैरिजन हो सकता है। तो फिर पाया जाता है, आचार्य ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोई भगवान में 70-78% गुण ही डेवलप कर सकता है, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन और कोई इवन नारायण तक में पूरे गुण नहीं होते, है ना। भगवान में जो 4 गुण होते हैं वो केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और केवल उनकी शरण ग्रहण करके ही इन सब से पार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकते पार। तो पसंद नापसंद, अच्छे बुरे जैसी द्वैत भावनाएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कारण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण बद्धात्मा को अपने काबू में रखते हैं। अतः बद्ध जीवों के लिए समझ पाना कठिन है कि भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक होने से पूर्ण तीनों गुणों से परे। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग जो गुण में रहते हैं, तीनों गुण में रहते हैं, बद्ध अवस्था में रहते हैं, तो हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए हमें प्रॉपर वैष्णव जो बताएंगे उन्हीं के थ्रू हम समझ सकते। अदरवाइज अचिंत्य भेदाभेद तत्व हम नहीं समझ सकते कि भगवान एक भी है, अलग भी है। कह तो रहे लेकिन समझ में आने वाला नहीं है हमें, है ना। भगवान एक साथ यहाँ भी रह सकते हैं, पृथ्वी लोक में भी रह सकते हैं, अपने धाम में भी रह सकते हैं, सबके हृदय में भी रह सकते हैं। कैसे समझेंगे हम नहीं समझ सकते हैं। तो जितना बताया जाता है हम वैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अतः बच्चे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्मतम चीजें हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म नॉलेज है। इसको अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसको श्रद्धा से समझा जा सकता है। और श्रद्धा कैसी होती है? ब्लाइंड श्रद्धा नहीं होती है। जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में अगर वो सच बता रहे हैं तो इसका मतलब बाकी बातें भी उसमें सच होंगी, है ना। क्या वे बता रहे हैं कि भगवान ने परम अव्यय शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दिव्य शक्तियों के द्वारा सभी वस्तुओं से व्याप्त है, किंतु उनसे भी कोई बदलाव नहीं आता और वो सदैव पूर्ण बने रहते हैं। किसी को ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि परम ब्रह्म संपूर्ण विराट में व्याप्त है, इसलिए उनका कोई साकार स्वरूप नहीं होता। अग्नि से निकलने वाले ऊष्मा के चारों दिशाओं में फैलने पर अग्नि अपरिवर्तित होती है। इसी तरह सूर्य अंत काल में प्रकाश तथा ऊष्मा बिखेरता आ रहा है, फिर भी उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती। सूर्य में भगवान की अव्यय शक्ति का केवल एक सूक्ष्म अंश ही है। अतः भगवान की शक्ति के रूपांतरित होने या कम होने का प्रश्न नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी पूनम है, पूनम के पास एक पेपर है ना। पेपर है एक बार पूनम देखो, कोई पेपर है आपके पास? पेज है कोई? हाँ, एक पेज आप निकालो, एक पेज पीछे से निकालो। ठीक है, इसके 4 भाग कर लो मोड़ के। चार भाग कर लिए। अलग अलग पार्ट कर दो। हाँ, अब क्या करो, इस 4 भाग में से एक भाग फाड़ के निकाल दो। अब दिखाओ मुझे। तो अभी अगर तुमने एक वो भाग निकाल दिया तो वहां पे एक खाली जगह हो गया है ना, जहां से तुमने फाड़ा वहां खाली जगह हो गया है ना, वहां का वो अंश निकल गया। तो हमें मेटीरियल जगत में क्या आदत है कि कोई चीज है अगर हम उसको किसी को दे दें या अलग कर दें तो वहां पे क्या हो जाता है, होल हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भगवान को अगर मतलब बांटा भी जाए तब भी भगवान बने रहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, भगवान सबके हृदय में भी है, गोलोक धाम में भी है और सभी के अंदर भी है एक साथ। लेकिन भगवान जब सबके अंदर है परमात्मा के रूप में अपना भगवान एक्सपेंशन करते हैं तब भगवान की कोई शक्ति कम नहीं हो जाती, भगवान वैसे ही शक्तिशाली बने रहते हैं। समझ आया पूनम? अभी आपने जो पेपर लिया उसमें से अगर एक पार्ट हटा दिया तो वहां पे जगह कम हो गई, खत्म हो गया ना, वो पेपर आधा हो गया। जैसे अभी जो है गौरे के पास अगर अच्छे से 5 लड्डू हैं, है ना, अगर एक लड्डू उसने भूमिका को दे दिया तो अब कितना बचेगा गौरी के पास? गौरी के पास 4 बचेंगे, 4 लड्डू बचेंगे, एक कम हो जाएगा। लेकिन भगवान के पास अगर आप जाएंगे तो क्या होगा कि भगवान यदि 1 लड्डू मुझे, 1 लड्डू भूमिका को, 1 पूनम को, 1 गौरी को, 1 यमुना को दे भी देते हैं तो क्या होगा, उनके प्लेट में उतना ही रहेगा, वो दे भी देंगे तब भी उतना ही रहेगा। तो भगवान की ये फिलॉसफी भी समझना कि भगवान का ऐश्वर्य है और भगवान के ऐश्वर्य से ही बाकी लोग ऐश्वर्यवान होते हैं, भगवान के कारण लोगों में ऐश्वर्य आता है। लेकिन ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करके भगवान के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आ जाती। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमेशा से करोड़ों हजारों वर्षों से सूर्य की रोशनी दे रहा है, तो क्या उसकी लाइट में कोई कमी आ गई या पावर हाउस डाउन हो गया कभी? नो माता कि हाँ आज जो भूमिका उसको प्रोवाइड करने वाली है लाइट, no, ऐसा हुआ भूमिका, ऐसा सुना नहीं आपने? तब तो ठीक है, मतलब तो आज भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तो भगवान शरीर के एक अंश से जब सूर्य का प्रकाश इतने वर्षों तक लाइट दे रहा है और सूर्य में कोई होल नहीं हो गया कि हम लाइट दिए तो होल हो गया, तो भगवान में अगर क्वालिटीज हैं वो अलग अलग दे भी देते हैं और फिर भी वो भगवान वैसे ही बने रहते हैं, तो उसमें कौन सा आश्चर्य है? आश्चर्य है जब भौतिक जगत का एक छोटा सा सूरज ये काम कर सकता है ना। गंगा में खूब जल है, उसमें से अगर एक गिलास पानी जो उठा के हमने पी लिया तो उसका गंगा जल कम हो जाएगा। आप बाल्टी के बाल्टी उठा लीजिए तब भी गंगा जल कम नहीं होगा। तो जब भौतिक जगत में नदी है, सूरज है, इनमें कोई कमी नहीं होती तो भगवान के ऐश्वर्य में कैसे कमी हो सकती? तो यही बात बताई जा रही है कि भगवान जो है वो सब में बट कर भी, अपना एक्सपेंशन कर भी भगवान पूर्ण बने रहते, भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं होते देने पर भी। तो उसी तरह से भगवान के भक्त जो हैं वो भगवत ज्ञान अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपूर्ण नहीं हो जाता बल्कि और उनकी वृद्धि हो जाती। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अतः भगवान की शक्ति के रूपांतरित होने या कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए? भगवान अपनी शक्तियों को मान लीजिए रूपांतरित करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, इससे मतलब उनकी शक्ति में कोई कमी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी उनकी कोई कमी नहीं आती। इस तरह भगवत गीता में अपने आप को परम अव्यय, अव्यय जिसका व्यय ना हो, समझ ना गया? अव्यय यानी घटता कभी नहीं है भगवान, भगवान एज इट इज बने रहते हैं। ये भगवान का एक फिलॉसफी है, एक सिद्धांत है, परम सत्य। भगवान अव्यय है यानी एज इट इज बने रहते हैं, संपूर्ण चीजें देकर भी। परम शक्तिमान कराते हैं। वेदों में कहा है पूर्णम अस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में जो कुछ उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण है, जो कि वो पूर्ण है अतः अनेक इकाइयों उत्पन्न करता है, वो भी पूर्ण बना रहता है। भौतिक शक्ति के मायाजाल से छूटने तथा भगवान के निकट आने की विधि भी भगवान की तरह अद्वितीय है। जिस तरह सूर्य को देखने का एकमात्र साधन सूर्य भगवान कृष्ण को देखने का एकमात्र साधन कृष्ण रूपी सूर्य का प्रकाश, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तब प्रेम भक्ति तक ही करके उन पर पहुंचा जा सकता। तो ऐसे आश्चर्यजनक भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तभी हम ऐसे रहस्यमय भगवान को समझ सकते। अदरवाइज भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। आप देखते होंगे रामायण के बारे में लोग पूछा करते हैं, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, है ना। तो वैष्णव को एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है, ना खुद पढ़ते हैं कभी रामायण भागवत, इसलिए नॉलेज नहीं, इसलिए पढ़ना चाहिए। भगवान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर को कष्ट देने और सकाम करके मानसिक व्यायाम से प्राप्त ज्ञान में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। एक होता है भक्ति के द्वारा नॉलेज प्राप्त करना और एक होता है अन्य मार्गों से द्वारा नॉलेज प्राप्त करना। उससे आपको कहीं ये नॉलेज नहीं मिलेगा। लोगों ने इतनी नॉलेज ली है मटेरियल जगत की, कहीं ये सब नॉलेज मिला था? कृष्ण अव्यय है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर है और एक भी है। सुना था कभी आप लोगों ने? कहीं पढ़ा था? कहीं भी ये ज्ञान आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ये केवल भक्ति के, प्रमाणिक भक्ति। तो बिना भगवान को जाने, बिना हम कौन है ये जाने, हम आगे कई फिलॉसफी कैसे एस्टेब्लिश करें? सबसे पहले अगर हमको यही नहीं पता हम हैं कौन, तो डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या कर लेंगे? इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। हम अनसेटिस्फाइड और सुखी क्यों नहीं है, है ना? क्योंकि हम कौन है ये क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। पहले सबसे बड़ा सत्य तो ये क्लियर करना है, उसके बाद सारी बातें आती है ना। पहले किसी भी इमारत की नींव के बारे में बात की जाती है ना, फाउंडेशन है ही नहीं, बिल्डिंग खड़ा कर लो, कर लोगे क्या? करोगे तो गिर जाएगा। तो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया जा सकता है। जब उगता सूरज रात्रि के अंधकार को भगा देता है तो प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे अगर सूरज निकल आए तो हमें सब चीज दिखाई देती है, और अंधेरा रहे तो अपने हाथ भी नहीं दिखाई देते। उसी तरह से भगवान का ज्ञान आने पर जीव को अपने बारे में, सभी के बारे में बिल्कुल सही नॉलेज डेवलप हो जाता है, फिर वो भ्रम से निकल जाता है। इसी तरह कृष्ण रूपी सूर्य मनुष्य की चेतना के क्षितिज को पहुंचाता है, माया के नार के अंधकार भगा देता है। प्रत्येक वस्तु का असली रूप दृष्टिगोचर होता है और परम ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान अनुभूति एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से ही। यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? केवल भक्ति के द्वारा, और कोई मार्ग से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। क्लियर हो गया? आज हम यहाँ ही तक पढ़ते हैं। आगे का क्लास हम 55 लेसन से फिर आगे कंप्लीट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? माता जी एक क्वेश्चन, वो जो आपने 6 ऐश्वर्य बताए थे माता जी, वो रिपीट कर दीजिए। 6 ऐश्वर्य जो बताए थे उसमें भगवान सुंदर है, सौंदर्यवान, श्री यानी बहुत से ज्यादा अमीर है। तब भूमिका को पता चल रहा है तो यही पुरुष चुनेगी, क्योंकि हमें कैसे पुरुष चाहिए? मेल मेंबर्स में हम देखते हैं ना, गर्ल्स बॉयज को देखती है, बॉयज गर्ल्स को देखते हैं, तो गर्ल्स क्या देखते हैं? बहुत सुंदर होना चाहिए। माता जी वो आप ढूंढेंगी, मैंने तो आप पे डाल दिया। बहुत धनवान होगा, भगवान सबसे ज्यादा धनवान, और इंटेलिजेंट बहुत हाई क्लास का होना चाहिए। हेलो कृष्ण है ना, इंटेलिजेंट, फिर फेमस बहुत होना चाहिए, हर लोग जानने वाले होने चाहिए, ताकि उसकी पत्नी बनकर हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं, है ना। फेमस, है ना, यशस्वी के साथ साथ बलवान, है ना। 10 लोगों से ऐसे ही डिशुम करके निकलता है ना। तो भगवान जो है ऐसे ही डिशुम दिन भर करते रहते थे, है ना। तो के बीच में से रुक्मणी का हरण करके ले आए। तो ऐसे हैं बलशाली भगवान। हाँ, एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया था और बातें करते रहते थे। तो ये सब भगवान ही कर सकते। बलवान के बाद भगवान इतना कुछ होने पर भी वैरागी बने रहते। 6 चीजें हुई बेटा, कुछ मिस तो नहीं किया? जी माता जी, पहले एक चीज मिस कर दी थी मैंने, इंटेलिजेंट। हाँ तो इंटेलिजेंस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भगवान इंटेलिजेंट भी नहीं है, है ना। हिरण्यकश्यप में सारा इंटेलिजेंट लगा लिया अमर बनने के, मैं यहाँ ना मरूं, मैं ऐसे ना मरूं, मैं ऐसे ना करूं, है ना, मैं घर में ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं चौखट में मरना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी आदमी से ना मरूं, इंसान से मरूं, देवता से ना मरूं। जितना वो सोच सकता था उसने सब सोचा। किसी महीने में ना मरूं, उसको ये नहीं पता था कि भगवान जो है 13वां महीना पैदा कर देंगे और नरसिंह भगवान के रूप में आ जाएंगे और अपने नाखून से उसको फाड़ देंगे और चौखट पे फाड़ेंगे। माता जी इसीलिए हमारे हिंदी कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। हाँ, अधिक मास जो आता है, हाँ, क्रिएट किया एक महीना, है ना। तो उसको ये नहीं पता था कि भगवान ये भी कर सकते हैं। तो जब ये परम सत्य के बारे में अगर उसको हिरण्यकश्यप को नॉलेज होता तो वो कम वक्त ऐसा ना करता लेकिन परम सत्य के बारे में नॉलेज है नहीं उसको कि वो सब वो क्रिएट ही कर सकते हैं हर चीज। तो लोग जो है पहले से ये सोचते कि हम भगवान बन जाएंगे और उसको भगवान को मार देंगे। तो भगवान को ना क्रिएट किया जा सकता है ना मारा जा सकता है, ये नॉलेज ही नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जो कि चैप्टर का नहीं है, अलग, मतलब जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, मुझ पे आंसर नहीं होता उस क्वेश्चन का। क्या हम अभी क्लास के बाद पूछेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। तो ये परम सत्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत से नॉलेज की प्रभुपाद बताने की कैसे भगवान, भगवान की शक्तियां में क्या संबंध है और क्या विभिन्न। ओके